नमस्कार, मॉर्निंग कॉल कॉल में आपका स्वागत है। आज 4 मार्च बुधवार। कल के सेशन में हमने सोने चांदी में दिन के सेशन में तो एक सुस्त कारोबार देखा, बट पॉजिटिव बायस के साथ ही था। बट एकाएक शाम के सेशन में हमने भारी तेजी सोने चांदी में आती हुई देखी, जिस ढंग से यूएस ने एमरजेंसी रेट कट किए 0.5 से, जो 2008 के बाद की सबसे बड़ी कटौती रही है, जिसके चलते हमने सोने को एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए देखा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी फर्दर रेट कट होनी चाहिए, जिसके चलते सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, बट मार्केट वॉलिटिलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट ले लेते हैं। 1645 के करीब गोल्ड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जब तक 1620 का लेवल नहीं तोड़ता है, 1656 से $1670 तक का लेवल गोल्ड में, वहीं चांदी $17 के ऊपर पॉजिटिव है, जो $1750 तक का लेवल दिखा सकती है। WTI क्रूड ऑयल कल के दिन के सेशन में तेजी थी, बट लेटर इन द डे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है। जिस ढंग से ओपेक मेंबर्स ने कहा है कि हम प्रोडक्शन कट और बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते प्राइस को सपोर्ट मिला था, बट यूएस का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली हायर साइड पे है, जिसके चलते हायर साइड पे थोड़ा सा प्राइस को गैप मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड 53.50 तक जा सकता है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो 2 दिन की तेजी के बाद अभी भी मार्केट आज दिन के सेशन में तेजी रह सकती है, बट हायर साइड पे प्राइसेस में फिर से एक गिरावट देखने मिल सकता है। जब तक मार्केट $2 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, प्रॉबिलिटी है मार्केट में गिरावट का रुख कायम रहेगा। वहीं विक्स इंडेक्स में हमने थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर देखी। पिछले 4-5 सेशन से 25 से 30 के बीच में ही विक्स इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। नो डाउट कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कोई कम नहीं हुआ है। चाइना के बाहर ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी भी कोई स्टेबिलिटी के साथ कोई न्यूज़ नहीं है। नो डाउट कल के रेट कट के बाद हमने इक्विटी मार्केट में भारी तेजी देख रहे हैं। डाउ, S&P, नैस्डैक सब ट्रेड कर रहे हैं पॉजिटिवली, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी देखता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स 97.15 के करीब है, जो अभी भी प्रेशर में दिखाई दे रहा है, जो 96.40 96.60 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले कल के सेशन में हमने देखा रेट कट का इम्पैक्ट ही था, जिसके चलते मार्केट में तेजी का रुख था। आज के सेशन की अगर बात करें तो चाइना से सर्विस PMI के आंकड़े काफ़ी खराब आए हैं, जिसके चलते बेस मेटल में गिरावट रहेगी। ADP नॉन फार्म का डेटा आज खराब आने की उम्मीद है, जिसके चलते डॉलर में गिरावट, बेस मेटल में गिरावट आने की उम्मीद है। सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सर्विस PMI के फाइनल सर्विस PMI के आंकड़े ये स्टेबल रहेंगे। ISM नॉन मैनुफैक्चरिंग के आंकड़े ये भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में 2.8 मिलियन बैरल से इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जिसके चलते क्रूड में भी दबाव रहना चाहिए। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो सोना चांदी आज तेजी के साथ ट्रेड करेंगे। 43,100 के ऊपर गोल्ड तेज रहेगा, जो 43,800 तक का लेवल दिखा सकता है, बट कोई भी लॉन्ग पोजिशन कैरी ना करके जाइए, एक बड़ा करेक्शन ड्यू है ये हफ्ते में। वहीं अगर चांदी की बात करें, 46,000 के ऊपर काउंटर पॉजिटिव है, जो 46,800 तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा। क्रूड दिन के सेशन में तेजी का रुख दिखाएगा जरूर, बट इन्वेंट्री के बाद मार्केट में गिरावट रहेगी। रेंज रहेगी 3400 से लेकर 3550 के बीच की। नेचुरल गैस दिन में तेजी में रहेगी, जो 136 तक का लेवल दिखाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग में देखने मिल जाएगा। वहीं कॉपर में गिरावट का रुख देखने मिल सकता है, जो 422 तक का लेवल दिखा देगा। जिंक में हमने देखा इन्वेंट्री कंटिन्यू पाइल अप हो रही है, जिसके चलते दबाव कंटिन्यू रहेगा। कुछ भी उछाल आता है तो बेच के ही चल रहा है 152 के टारगेट के लिए। निकल 920 से 945 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि लेड और एल्यूमिनियम दोनों में ही साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मूवमेंट आज के सेशन में देखने मिल सकती है। धन्यवाद।